अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी अल्लाह की फजल से खैरियत से हैं। सुबह हो चुकी है और हम बना रहे हैं सुबह का नाश्ता, और आज हमारी रेसिपी क्या होगी वो भी आपसे शेयर करेंगे। तो चलते हैं किचन की तरफ और बनाते हैं आज का नाश्ता। नाश्ता हमारा बनकर तैयार हो चुका है। ये देखिए आप, कितना अच्छा नाश्ता बनाया हमने आज। हमारा काफ़ी दिन से हम दूसरा नाश्ता कर रहे थे, आज ने कहा अंडे का नाश्ता किया जाए, तो आज हमने अंडा फ्राई किया है, तो आज हम इसका नाश्ता कर रहे हैं। रोज़ाना चेंज होता रहे तो नाश्ता तो अच्छा होता है। चाय हमारी तैयार हो चुकी है और अब हम चाय पी रहे हैं, और उसके बाद हमारे घर का जो काम है, जो हमारी रूटीन है, वो आपसे शेयर करेंगे। मंगवाई थी तकरीबन 2-3 दिन पहले, अब मैंने इसको चेक किया है तो माशाल्लाह ये काफ़ी पक चुके हैं। अब मैं इनको निकाल रही हूँ जो हमारे पककर तैयार हो चुके हैं। ये पककर तैयार हो चुके हैं, बाकी थोड़ी सी इनमें कसर है, एक दिन में हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो इन्हें दोबारा रख देते हैं, इनको कल फिर इंशाल्लाह इसको खोलेंगे। अभी वापस रख देते हैं इनको। मैं आलू की बिरयानी, और मैं ये प्याज काट रही हूँ, और ये सारा सामान तैयार कर रही हूँ ताकि हमारी आलू की बिरयानी जल्दी से तैयार हो जाए। प्याज मैं काट रही हूँ, और ये टमाटर आलू मैंने छील के रख लिए हैं, इनको भी अभी वॉश करके इनको भी काटती हूँ। अभी मैं जल्दी जल्दी सारा सामान तैयार कर लेती हूँ। पुदीना ये भी मैंने साफ करके रख दिया है, इसको भी वॉश करना है अभी, और बाकी जो रेसिपी मैं आपसे शेयर करती रहूँगी। ये अदरक लहसुन मैं यहाँ पीस रही हूँ ताकि अदरक लहसुन हमारा जल्दी से पीस जाए, तो ये अदरक लहसुन यहाँ पर मैं पीस के रख रही हूँ। चावल मैंने सारे साफ़ करके रख लिए हैं, और हमारे चावल बहुत अच्छी तरीके से साफ हो चुके हैं। तो बनाना स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर मैं 1.5 चम्मच ऑयल लूँगी। ये मैंने 1 चम्मच ऑयल डाला है, और अभी 1/2 चम्मच ऑयल में और लूँगी। ये 1/2 चम्मच ऑयल और ले लिया मैंने, अब ऑयल को गर्म होने देते हैं, उसके बाद इसमें प्याज डालूंगी। यहाँ पर मैंने जो 2 बड़ी प्याज थी वो काट ली थी, और ये मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। प्याज को हम बिल्कुल हल्का फ्राई करेंगे। तो चला लेती हूँ मैं। यहाँ पर हमारी जो प्याज है वो पकना शुरू हो गई है, और बिल्कुल जब नरम थी थोड़ी बहुत, यानी कि नरम होने लगेगी, तो इसके अंदर मैं आलू शामिल करूँगी। हमें पूरा इसको गोल्डन फ्राई नहीं करना, क्योंकि ये आलू की बिरयानी है तो उसका एक अलग तरीका है। तो इसमें जब ये नरम होगी तो मैं इसमें आलू शामिल कर दूँगी। अब हम इसके अंदर जो आलू काट रहे हैं वो शामिल कर रहे हैं, ताकि आलू भी हमारे जो है वो अच्छे से नरम हो जाए। इसके अंदर मैंने आलू शामिल कर दिए हैं, पहले प्याज डाली थी, प्याज जब हमारी नरम होने लगी, अब इसके अंदर मैंने आलू शामिल करे हैं। आलू इसलिए शामिल करें क्योंकि आलू को गलाना है, और आलू बड़े साइज़ के मैंने काटे, तो अभी मैं इसमें शामिल कर दूंगी ताकि आलू हमारे गल जाएँ, मतलब हाफ तो गल जाएँ, तब बाकी जो चावल डालेंगे उसमें गल जाएँगे। ये मैंने आलू के अंदर शामिल कर दी। अब इसके अंदर जो गर्म मसाला है वो मैं शामिल कर रही हूँ, ये सारा गर्म मसाला इसमें डाल दिया, क्योंकि इससे जो गर्म मसाले में जितना भी इसका एसेंस है वो आ जाएगा हमारी बिरयानी में, और उसमें गर्म मसाला जो है वो कड़कड़ाना जो होता है, यानी कि वो हल्का सा फ्राई करना होता है, वो भी हो जाएगा, और एक अच्छी सी खुशबू आ जाएगी जो आलू की बिरयानी का मज़ीद टेस्ट बढ़ा देगी। अब हमारे यहाँ पे जो आलू है वो हल्के फ्राई हो गए हैं, और अब मैं इसके अंदर अदरक लहसुन शामिल करी हूँ। अदरक लहसुन में मैंने 2 से 3 हरी मिर्चें भी पीस दी थी, क्योंकि इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है आलू की बिरयानी में, तो मैं ये इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। इसको अच्छे से भून लेंगे अब हम।
अब इसके अंदर मैं टमाटर जो मैंने काट के रखे हुए थे 5 से 6 टमाटर रिमेनिंग साइज के, वो मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ और इनको भी डाल के हम अच्छे से भूनेंगे। ये 3 से 4 हरी मिर्चें हैं, ये इसे मैं शामिल कर रही हूँ और हम भूनेंगे अच्छे से। और यहाँ पर मेरे पास ये चिकन पाउडर है, देशी का चिकन पाउडर है, ये मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ये आप देख सकते हैं ये चिकन पाउडर है, ये मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। अगर ना नमक ज़्यादा होता है तो आप जब चावल डालें ना तो नमक का ख्याल करिएगा ताकि ज़्यादा नमक ना चले जाए, ठीक है, क्योंकि इसमें वैसे ही ऑलरेडी नमक ज़्यादा शामिल होता है। ये मैंने शामिल कर दिया, इसे टेस्ट अच्छा आया हमारी आलू की बिरयानी में। अब मैं इसके अंदर पुदीना शामिल कर रही हूँ क्योंकि इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आया हमारी आलू की बिरयानी में और इसको मैं अच्छे से भूनूंगी। थोड़ा सा पानी शामिल कर रहे थे, मसाला हमारा जो है बहुत कुछ हो गया ड्राई ड्राई, तो थोड़ा सा पानी शामिल करती हूँ। देखते हैं तो अच्छे से भून लेंगे, फ्लेम तेज कर देती हूँ मैं, उसको अच्छे से भूनना है, ऑयल छोड़ देगा ना फिर इसके अंदर मैं पानी और चावल शामिल करती हूँ। ऑयल छोड़ दिया मसाले ने और भून चुका, अब मैं इसके अंदर पानी शामिल कर रही हूँ। पानी आपने उतना ही लेना है जितनी आपकी चावल की क्वांटिटी है। यहाँ पर मैं 3 से 4 गिलास पानी इसके अंदर शामिल कर रही हूँ क्योंकि मैंने इतने ही कप चावल लिए थे। यहाँ पर नमक शामिल कर रही हूँ इसके अंदर मैं, नमक कम रखेंगे क्योंकि इसमें चिकन पाउडर डाला है तो उसमें भी ऑलरेडी नमक ज़्यादा होता है शामिल, तो नमक में आपने एहतियात करनी है डालते हुए। यहाँ पर 2 चम्मच नमक डालें। अब हम इमली का जो पानी है वो इसके अंदर शामिल कर रहे हैं, ये मैंने इमली थी भिगो के रखी हुई थी, ये मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। इससे जो आलू की बिरयानी है उसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है, खट्टा खट्टा सा बहुत अच्छा स्पाइसी और खट्टा मिक्स, तो ये शामिल कर दिया। अब इसके अंदर जो चावल हैं हमारे वो शामिल करते हैं। जो हमारे राइस हैं ये मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। चावल जो थे वो उसके अंदर शामिल कर दिए और अब मैं इसको ढक रही हूँ ताकि हमारी जो बिरयानी आलू की पकना शुरू हो जाए, और आगे आपको दिखाऊंगी इसका नेक्स्ट प्रोसेस। और देखें कितने खिले खिले बने हैं, हमारी मज़ेदार आलू की बिरयानी तैयार हो गई है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।